अगर आपके आधार कार्ड से आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे रजिस्टर्ड कराते हैं, यानी कि कैसे जोड़ते हैं, या फिर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड तो है पर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फैमिली के मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड करा देते हैं। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है? आज की वीडियो में आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इन दोनों सवालों का 100% सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट प्रोसेस के साथ आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे जोड़ते हैं उसकी प्रोसेस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर आपकी फैमिली में से किसी सदस्य का मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और आप भूल गए हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है? पहले इस प्रोसेस को आप आधार की वेबसाइट यानी कि UIDAI की वेबसाइट पर कर सकते थे, पर अब आधार वेबसाइट से यानी कि UIDAI की वेबसाइट से वेरीफाई आधार के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों को आधार को वेरीफाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। किसी भी आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद एम आधार ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशंस देनी होगी, यहाँ पर आपको अलाउ करना है। उसके बाद कॉन्सेंट देने के लिए यहाँ पर आई कॉन्सेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एम आधार ऐप में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर किसी भी आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस में से आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको उस आधार नंबर को एंटर करना है जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं। नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि जो आधार नंबर आपने एंटर किया है वो आधार नंबर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर आधार नंबर असली है तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज शो होगा, दिस आधार नंबर इज एक्टिव, और नीचे आपको आधार की कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी जैसे कि एज बैंड, जेंडर, स्टेट और मोबाइल नंबर। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूरा मोबाइल नंबर आपको शो नहीं होगा, केवल लास्ट के 3 digits ही आपको मोबाइल नंबर के दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। जिस भी व्यक्ति का आप आधार नंबर वेरीफाई करेंगे वो मोबाइल नंबर के इन लास्ट के 3 numbers से पता लगा सकता है कि उसके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। ये मोबाइल नंबर या तो उसका पुराना मोबाइल नंबर हो सकता है या फिर हो सकता है कि उसने आधार कार्ड बनवाते समय अपनी फैमिली का मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर करा दिया हो, तो आखिर के इन 3 numbers से वो पता लगा सकता है। आइए अब देखते हैं कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है ask.uidai.gov.in को। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। यहां आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर जो मोबाइल नंबर आप ऐड कराना चाहते हैं या फिर अपडेट कराना चाहते हैं वो नंबर भी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट OTP एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देखेंगे आपको 2 options दिखाई देंगे, न्यू एनरोलमेंट और अपडेट आधार। तो यहाँ पर अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अपडेट आधार पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद यहाँ आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम भरना है और अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद अपने रेजिडेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, यानी कि आप अपने आधार कार्ड में क्या मॉडिफाई कराना चाहते हैं, क्या अपडेट कराना चाहते हैं। उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे,
उसमें से जो भी आपको अपडेट करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देखेंगे अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप अपडेट कराना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ आपको एडिट पर क्लिक करना है और अपने नए मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना है और OTP के थ्रू उसको वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपने नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र को सर्च करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपने सिटी का पिन कोड डालना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपके नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र के एड्रेस की एक लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपका कोई नियरेस्ट बैंक या फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आधार अपडेट सेवा की सर्विस को प्रोवाइड करता है तो उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसमें से आपके घर के पास जो भी एड्रेस सबसे पास लगता है उसे आपको चूज कर लेना है और बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको फ्री टाइम के अनुसार जब आप जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट और टाइम को यहाँ पर चूज कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुकिंग का कंफर्मेशन मांगा जाएगा। आपका बुकिंग का टाइम, डेट और एड्रेस आपको दिखाया जाएगा और उसके नीचे क्या चार्जेस आपको पे करने होंगे वो आपको दिखाया जाएगा। इसके लिए आपको केवल ₹50 पे करने होंगे जो आपको आधार सेवा केंद्र में जाकर सबमिट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है और आपके द्वारा चूज किए गए डेट और टाइम पर आपको आधार सेवा केंद्र पहुंचना है। इसके साथ आपको केवल अपने आधार की कॉपी लेकर जानी होगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑपरेटर को सबमिट करना है। ऑपरेटर आपकी बायोमेट्रिक स्कैन करेगा और एप्लीकेशन को वैलिडेट और वेरीफाई करेगा और आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी जिसकी सहायता से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके बाद आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होने में 1 हफ्ते से 15 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है। जैसे ही UIDAI द्वारा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा तो आपको इंटीमेशन के लिए उसके रिगार्डिंग एक SMS भी किया जाता है। दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो तरीका आज मैंने बताया है वो फुल्ली ऑनलाइन नहीं है, पर इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने आप को एक वेटिंग लाइन में खड़े होने से बचा सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जॉब करते हैं और इस छोटे से काम को कराने के लिए उनको आधार सेवा केंद्र के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। उस केस में ये तरीका बेस्ट तरीका है क्योंकि इस तरीके की सहायता से न केवल आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और दोबारा से ना तो आपको आधार सेवा केंद्र जाकर कोई लाइन में लगना होगा, ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और इस प्रोसेस के जरिए आप आसानी से अपने नजदीकी सेवा केंद्र को भी फाइंड कर सकते हैं, फिर चाहे वो बैंक हो या फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।